मुझे आपका तो नहीं पता, पर मुझे झीलें बहुत पसंद हैं। झील के बीच में बैठकर अंतरिक्ष को देखना, सोचिए क्या नज़ारा होता होगा। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं, ऐसी मछलियाँ जो आपके होश उड़ा देंगी, हैरान कर देने वाले नज़ारे जो आपको आम जिंदगी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आइए हमारे साथ एक रोमांचक सफर पर, ऐसा सफर जो आपको रोमांच से भर देगा और आप भी बैग उठाकर निकल पड़ेंगे हमारी तरह दुनिया देखने। हाय फ्रेंड्स, काई टाइम्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक नया दिन और एक नए सफर की शुरुआत बेबी काई के साथ। और इसको देखकर बेबी को लगा कि ये हमारी ट्रेन है जिसमें हमें बैठना है, तो यहाँ पर उसको पापा यही बता रहे हैं कि इसमें नहीं बैठना है, ये सिर्फ एक इंजन है। और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पकड़ने अपनी ट्रेन, जो हमें कहाँ ले जाएगी आइए देखते हैं। ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है ये पता करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ना, देखो। और काई को वॉच पहनने का बहुत शौक है, तो देखिए उसने वॉच पहना हुआ है और हाथ को किस तरह रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म्स पर लिफ्ट होने की वजह से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और ये चले हम लिफ्ट में और पहुंचते हैं हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। हमारा को C5 है, अरे हम लोग आगे गलत जा रहे हैं। हाँ C5 यहीं था, ही देखो। This is your seat, right? कैसे Starting. Because it is not the time. It will start at 12. After 5 minutes. ट्रेन चल पड़ी और हम निकल चुके हैं अम्बाला रेलवे स्टेशन से। छोटा पापा, ओह नो, वी डिड नॉट कॉल छोटा पापा टू कम विद अस। मजा आ गया पापा। फोटो डोडी बोले रहा तो ये आ चुकी है हमारी गरम गरम रेडी मिक्स वाली चाय, टेस्टी है वैसे तो। क्या करना है आपको? मैं बहुत भूखा हूँ। कितना भूखे हो आप? बहुत। How much? बहुत। Wow. This is daddy beer. Okay, give me. Is it yummy?
इतनी देर हो गई थी और काफ़ी भूख लग रही थी, तो लंच का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो ये हमारा लंच जो ख़त्म हो चुका था, नॉट सो टेस्टी, ओके ओके था। और अब हम वेट कर रहे हैं आइसक्रीम का, हमसे ज़्यादा वेट कर रही है काई भी। और ये आइसक्रीम मिलने की पहले वाली खुशी है। आइसक्रीम नाउ, यू हैप्पी? यस पापा, ये वाओ, वी विल बी हैप्पी, वी विल लव इट। मिस्टर काई, क्या वेयर इज योर टिकट? काई सर, ले रात ही खाना है। यू डोंट हैव टिकट? देन मम इज माय टिकट। योर टिकट इज मम्मा? ओके ओके। शूज पहन के? नो नो, हम तो बेयर फुट जाएंगे। नहीं नहीं बाप, फिर आपके पैर डन। ये जो नहीं है थोड़ा जी, आई लाइक टनल। और काई की प्यारी प्यारी बातें सुनते हुए हम पहुंच गए न्यू दिल्ली। ओके ओके, अगर तू सो रहा है तो ठीक है। होटल गया है तो ना। और वी रीच दिल्ली। हाँ, बट जब थक जाएंगे फिर ठीक है, अदरवाइज वी विल वॉक ओनली। ओके, नो क्राइंग एंड नो गोदी। से ओके मम्मा। पापा से बात ले रहे? मम्मा नहीं, बात नहीं करते। 14 फॉर दिल्ली। कम बैक, वोट बाद में पीते ना। लेट्स गो। मगर दिल्ली हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमें कहीं और जाना है। और क्योंकि हमारी ट्रेन है शाम को, तो हमने सोचा क्यों ना तब तक थोड़ा सा दिल्ली घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। और ये मेट्रो से निकल कर हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक, यानी कि कैनॉट प्लेस। ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां काई को भी मजा आए और हमें भी। तो कैनॉट प्लेस के सारे ब्लॉक्स में इधर से उधर एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए यहाँ पर। ये बच्चों के एक टॉय स्टोर को बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस दिया गया है, क्योंकि एक पॉश एरिया में दिल्ली के सिचुएटेड है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एंट्रेंस था। तो इसमें गाय को लेके जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो अगर आप सीपी में आते हैं घूमने या कभी आपका कैनॉट प्लेस आना हो तो आप इस जगह पर ज़रूर आइएगा, यहाँ बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून फीचर्स लगा रखे थे। टॉय स्टोर में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद हमें भूख लग गई थी, तो हमने सोचा जल्दी से कुछ खा लेते हैं चल के, क्योंकि ट्रेन स्टेशन भी दूर था तो हमें फिर से जाके ट्रेन कैच करनी थी। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बट हमारे लिए थोड़ा सा ख़राब हो रहा था क्योंकि अब बारिश शुरू हो जाएगी, तो हमें कैब मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। एक बहुत ही छोटा सा चिक सा कैफ़े था जहाँ पर हम आए, और यहाँ के शेक्स बहुत पॉपुलर हैं, देख के ही लग रहा था हर कोई यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेक्स ट्राई कर रहा था। तो हमने भी थोड़े से बनाना शेक और मिल्क शेक ट्राई किया, एंड इट वाज वेरी यमी, वर्थ कमिंग, वर्थ द पेनी।
काफ़ी हाइजीनिक टेस्टी और बजट फ्रेंडली प्लेस है। यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो शेक्स को ज़रूर ट्राई करें। पापा गोदी लेंगे बेटा। यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी कोजी है, सिटिंग नीचे भी है और ऊपर भी है अगर आप फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ आते हैं। और काफ़ी तो ये था हमारा दिल्ली तक का सफ़र और अगले व्लॉग में है हमारी एक्चुअल ट्रैवल डेस्टिनेशन। हमारे सफ़र में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।